हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदिको अल्ट्रा वॉल्ट। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन वुलन ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। ऐसे मैं कान्हा जी को ले लेना है और पीछे की तरफ से हम सेट कर लेंगे चोली को। अब आगे से हमें ले जाना है चोली और नैपी की तरफ, पीछे की तरफ से हम देखिए चोली के ऊपर इसको सेट करेंगे। और हमने ये जो डोरी लगाई है इसको हम आगे से ले जाकर पीछे बांधेंगे, क्योंकि पीछे की तरफ से जब डोरी दिखेगी तो वो अच्छी लगेगी, लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। पीछे की तरफ से ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adikulturalvault268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे दो कलर का ऊन ले लिया है। ये स्काई ब्लू कलर का ऊन है और ये येलो कलर का ऊन है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज दो कलर के ऊन को मिलाकर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई जाए। और साथ ही साथ मैंने देखिए यहाँ पे ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों ऊन को हमें ऐसे खोलना है और खोलते हुए हम एकदम बराबर करके ऐसे रखेंगे। अब हमें ऐसे एक लूप बनाना है और हमें लूप के अंदर क्रोशिया डालनी है। फिर हमें क्रोशिया में इन दोनों ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है, फिर हम खींच के इसको टाइट कर लेंगे। अब हमें देखिए क्रोशिया में उनको लेना है और लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे हमें टोटल 5 चेन बनानी है। तो देखिए ये तीसरी चेन है, ये 4 और ये 5। तो टोटल हमने 5 चेन बना लिया। अब हम दो चेन छोड़ेंगे, तो एक चेन देखिए यहाँ क्रोशिया में है, फिर एक चेन यहाँ पे हम छोड़ेंगे और तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। दो फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसा कर निकालेंगे। दो फंदे हो गए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए लास्ट तक हमने सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है। पलटने के बाद सभी लाइंस में पहले हम एक चेन बनाएंगे, इसके बाद हम फिर से ऐसे फंदे में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। दो फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेंगे। फिर से हमें देखिए सिंगल क्रोशिया बनानी है और ये जो लास्ट चेन है इसमें से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो दूसरी लाइन भी देखिए बहुत ही जल्दी से कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको फिर से पलटना है और पलटने के बाद जैसा मैंने पहले ही कहा है, हम देखिए एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद फिर हम हर एक चेन में से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैंने दो ऊन यूज़ किया है पर फिर भी बिनने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हम इसको बीन सकते हैं और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से पहले हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद हर एक चेन में से अब हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से बीनते हुए देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही बीनते हुए हमें एक लंबी सी पट्टी तैयार करनी है। हम इसको पलट लेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और अब हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लंबी सी पट्टी बीनकर तैयार कर लेंगे। आप किसी भी कलर का ऊन यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी कलर कॉम्बिनेशन हो आप उसको मिलाकर कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना सकते हैं। इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए मैं एक लंबी सी पट्टी बीनकर तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बीनते हुए मैंने एक लंबी सी पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब लास्ट में हम इसको लॉक करेंगे, तो एक चेन ये जो बचा है यहाँ पे हमें ऐसे चेन बनानी है और इसको ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद एक्स्ट्रा ऊन जो है वो हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें अच्छे से इसको टाइट करना है और अब आप चाहें तो थोड़ी सी जगह छोड़ के इसको कट भी कर सकते हैं या फिर देखिए ऐसे ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको आप इसमें से निकाल सकते हैं।
जिससे कि आपको कट भी नहीं करना पड़ेगा और फिर खुलने का टेंशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सी बारी जब हम कट करते हैं ना तो वो खुलने लगती है ड्रेस। तो अब देखिए ये पट्टी बनकर बिल्कुल तैयार है। सेम ऐसे ही हमें एक पीस और बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा पीस भी बना के तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बराबर शेप रखा है मैंने। और अब हमें इन दोनों पीसेस को जॉइंट करना है। तो देखिए या नीचे की तरफ से हम एक के ऊपर एक करते हुए इसको रख लेंगे और मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। हमें यहाँ से देखिए 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। आप कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा और ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ तक एक के ऊपर एक करते हुए रखना है और सुई धागे से टक करके हम जॉइंट कर लेंगे। दोनों पीसेस को जॉइंट करने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। अब हम ड्रेस में लगाने के लिए डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर का ऊन ले लिया है। इस तरीके से हमें लूप बनानी है और ऐसे लूप में क्रोशिया डालकर फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल के खींच कर टाइट कर लेंगे। ये लॉक हो गया है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालना है। तो ये एक चेन बन गई। अब ऐसे ही चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर लेनी है। आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। मैं हमेशा थोड़ी सी बड़ी डोरी बनाती हूँ जिससे कि बांधने में भी आसानी रहती है और देखने में भी लुक अच्छा लगता है जब हम पीछे से बो बनाकर बांधते हैं डोरी को। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने देखिए डोरी बनाकर तैयार कर ली है। अब लास्ट में हम एक चेन बनाएंगे और इसको ढीला करके लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब हमें ड्रेस में डोरी डालनी है। तो देखिए यहाँ किनारे से ऐसे हम क्रोशिया डालेंगे और ये जो डोरी है इसको हमें क्रोशिया में फंसाकर ऐसे निकाल लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है डोरी डालने का। अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से हम फिर से डालेंगे क्रोशिया को और ये डोरी निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसमें डोरी भी डाल ली है। और डोरी डालने के बाद अब हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी न्यू डिज़ाइन वुलन ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है।